वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें हम यूनिट फिफ्थ की बात कर रहे थे। इसमें हम पोटेंशियोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ एंड पीएच के बारे में, जिसके अंदर हम दो टाइप्स के पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करेंगे, सिंपल पोटेंशियोमीटर और सेकेंड है कमर्शियल पोटेंशियोमीटर। तो इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जो है वो पढ़ने वाले हैं कि जो ईएमएफ होती है, ईएमएफ या फिर जो पोटेंशियल होता है किसी भी सॉल्यूशन का, और पीएच जो होती है सॉल्यूशन की, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, किन किन इक्विपमेंट्स के द्वारा जो है हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट है वो है सिंपल पोटेंशियोमीटर। इसे जो है नल पॉइंट भी बोला जाता है। तो जो सिंपल पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो पोटेंशियल होता है किसी भी अननोन सॉल्यूशन का, उसे मैच किया जाता है, उसे कंपेयर किया जाता है जो नोन जो ईएमएफ होती है जिस सॉल्यूशन की, या फिर जो स्टैंडर्ड सेल होता है उसके साथ में मैच किया जाता है अननोन सॉल्यूशन के पोटेंशियल को। इसके बाद में हम यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है पोटेंशियोमीटर का। इसके अंदर जो है एक पावर सप्लाई यूनिट होती है सी से, जिसको डिनोट किया गया है, जिससे कि थ्रू जो है वो आई जो है वो करंट फ्लो होता है। इसके बाद में एक वायर भी जो है ए बी की जो है यहाँ पे लगाई हुई है सर्किट डायग्राम में, जो कि यूनिफॉर्म डायमेंशंस की होती है, और इसकी हमें रेजिस्टेंस जो है वो पता होती है इस वायर की। और इसमें जब सॉल्यूशन जो है किसी भी अननोन पोटेंशियल का इसमें कनेक्ट किया जाता है, तो वो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है वो सेंड करता है सर्किट को। उसके बाद में है कि बीच में जो है ए बी जो वायर होता है इसके बीच में एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है डी, जिससे कि जो है हमें नल पॉइंट जो है वो नल डिफ्लेक्शन हमें पता चल जाता है गैल्वेनोमीटर का, और इससे हम जो है वो लेंथ पता कर लेते हैं ए डी की, जब स्टैंडर्ड सेल जो है वो वहाँ पे कैप्ट किया जाता है। सिमिलरली जो अननोन सॉल्यूशन होता है उसकी भी हम ए डी वन लेंथ जो है वो फाउंड करते हैं, इससे हम डिनोट करते हैं इस लेंथ को ए डी वन से। तो सबसे पहले जो है हम सबसे पहले ए डी जो है लेंथ फाइंड करते हैं, जो कि हमें स्टैंडर्ड सेल होता है उसका पोटेंशियल जो है वो बताती है। उसी तरीके से हम जो अननोन सॉल्यूशन होता है उसकी लेंथ जो है वो हम नापते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं ए डी वन से। इससे हमें वैल्यू मिलती है ईएमएफ या फिर पीएच की, जो अननोन सॉल्यूशन का होता है जो हमें डिटरमाइन करना होता है। इसके बाद इसे हम जो है इसके हम पोटेंशियल निकालते हैं एक फॉर्मूले की मदद से, जिसमें हम वैल्यूज पुट करके हम ईएमएफ को जो है वो पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले है ई वन इज इक्वल टू आई आर एल वन। तो यहाँ पे ई वन जो है वो है अननोन सॉल्यूशन की ईएमएफ, आई जो है वो करंट है, एल वन जो है वो लेंथ है ए डी वन जो कि हम नापते हैं, आर जो है वो रेजिस्टेंस होती है जो वायर की पर यूनिट लेंथ जो रेजिस्टेंस होती है वो। सिमिलरली ऐसे ही हम दूसरा फॉर्मूला जो है वो रखते हैं स्टैंडर्ड जो हम सेल होता है उसके लिए, ई टू इज इक्वल टू आई आर एल टू। तो ई टू जो है वो स्टैंडर्ड सेल की ई एम एफ होती है, आई जो है वो करंट है, आर रेजिस्टेंस है, और एल टू जो है वो ए डी लेंथ है। तो इसको हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, तो इससे इक्वेशन आ जाती है ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू आई आर एल वन अपॉन आई आर एल टू। अब इसकी मदद से हम ई वन जो है जो ई एम एफ होती है अननोन सॉल्यूशन की वो हम निकाल सकते हैं, तो वो आती है ई टू मल्टीप्लाई बाई एल वन अपॉन एल टू। इसके बाद में इस पोटेंशियोमीटर की हम मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करें, तो इसके जो एडवांटेजेस है वो है कि ये सिंपल है मेथड, और इसे कंस्ट्रक्ट करना भी इजी होता है और ये चीप होता है। इसके बाद में इसकी डीमेरिट्स है कि सबसे पहले है कि इसका कैलिब्रेशन जो है वो हमें हर बार कैलिब्रेट इसको करना पड़ता है नॉन ईएमएफ के साथ में कंपेयर करके, और दूसरा इसमें डीमेरिट ये है कि इसमें टेम्परेचर करेक्शन, स्लोप करेक्शन वगैरह जो है वो इसमें अवेलेबल नहीं होता है सर्किट के अंदर। सो अब इसके बाद में हम बात करेंगे कमर्शियल पोटेंशियोमीटर की या फिर पीएच मीटर की। तो कमर्शियल पोटेंशियोमीटर्स या पीएच मीटर्स जो हैं ये सिमिलर होते हैं वैसे तो सिंपल पोटेंशियोमीटर्स के, लेकिन इसमें फीचर्स भी होते हैं दूसरे, टेम्परेचर कंट्रोल, और जैसे टेम्परेचर कंट्रोल नॉब होती है, कैलिब्रेशन नॉब होती है, स्लोप करेक्शन होता है, और डिजिटल डिस्प्ले भी होता है पीएच ईएमएफ का, जो कि ईएमएफ होती है एमवी और टेम्परेचर का।
इसके बाद में है कि ये जो कमर्शियल पोटेंशियो मीटर्स या फिर पीएच मीटर्स होते हैं, इसके अंदर हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड का जो है वो इसमें होती है, और इंडिकेटर की इलेक्ट्रोड के रूप में इसमें ग्लास इलेक्ट्रोड होती है। तो यहाँ पे डायग्राम जो है वो दे रखा है कमर्शियल पोटेंशियोमीटर का, ये जो है वो सिंपल पोटेंशियोमीटर के सिमिलर होता है, और इसमें साथ ही साथ रियोस्टेट होता है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, ताकि हम रूम टेम्परेचर से जो है इसको एडजस्ट कर सकें। इसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन और कैलिब्रेशन जो है वो हम बफर्स को यूज़ करके करते हैं, जैसे पीएच 7 और पीएच 4 या फिर पीएच 9.2 के बफर्स का यूज़ करके, और स्लोप करेक्शन नोब भी इसमें प्रेजेंट होती है, और इसमें जो पोटेंशियल होता है वो वी में या फिर एमवी में या जो है वो रेड किया जाता है डायरेक्टली डिजिटल डिस्प्ले में, और इससे पीएच भी जो है हम डिजिटल डिस्प्ले में जो है रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ऑटोमेटिक बैलेंसिंग होती है जो कि नल डिफ्लेक्शन जो है वो हमें दिखाते हैं गैल्वेनोमीटर का। इसके बाद में है एडवांटेजेस या फिर इसमें क्या क्या अलग जो है अच्छे फीचर्स होते हैं कमर्शियल पोटेंशियोमीटर या फिर पीएच मीटर के अंदर। तो इसमें है पहला टेम्परेचर कंट्रोल नॉब प्रेजेंट होता है, कैलिब्रेशन नॉब होता है, स्लोप करेक्शन नॉब होता है, और इसके अंदर टेम्परेचर डिस्प्ले होता है, और इंटरनल कैलिब्रेशन और बिना एक्सटर्नल कैलिब्रेशन के जो हम बफर्स को यूज़ करके करते हैं। सो गाइस, ये थे दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जिससे कि हम ईएमएफ या फिर पीएच जो है वो किसी भी अननोन सॉल्यूशन की जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर मी न्यू वीडियोज़।